नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक और आज जिन शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आप खुद ही देख लेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हेमंत भाई पांडे का। राम राम। राम राम भाई। राम राम। राम राम। क्या बात है, बिल्कुल लाल हुए बैठे हो आज। तो ठंड लगी हुई है ना, तो जैकेट हमेशा ही साथ रखता हूँ शूटिंग में, मेकअप में, वैनिटी में, जहाँ भी जाओ या पहाड़ों में तो एक आज रखता ही हूँ। वो कहते हैं लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी संग आप जैकेट में गुण बहुत है। तो हेमंत भाई, हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, जब इंसान इस इंडस्ट्री में आने की सोचता है, आपको पहली बार कैसा लगा, कब लगा कि मुझे इंडस्ट्री में जाना चाहिए? मैं बचपन में ही जो है वो नकल वकल अपने दोस्तों के, परिवार वालों की, घर की, टीचरों की उतार लिया करता। मिमिक्री, रामलीला में छूट मूट होती थी, क्योंकि हर भारतीय कलाकार का पहला मंच रामलीला ही होता जी। उसमें हमको रामलीला में बड़े रोल तो नहीं मिलते थे, और राक्षस के, बंदरों के ऐसे रोल मिलते थे, वहीं से शुरुआत हुई। और छोटा छोटा नाटकों में काम करने लगे थे, तो लोगों ने बोला जाना, मतलब बंदर से इंसान बने। भैया, जैसे आपने कहा घर में ही सभी की मिमिक्री करने लगा, तो उस मिमिक्री के बाद घर वालों को ये बताना कि भैया मैं एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। अब हमारा तो आज सोचो, उस वक्त 33 बरस पहले की बात है, उस वक्त घर से भागने का दौर था, घर से भागते थे उस वक्त लोग। तो आपको भी कहा गया है लौंडा भाग गया मुंबई? नहीं नहीं, हमारा क्या हुआ कि वो चैत के महीने, मार्च के महीने जो है वो होता है परंपरा उत्तराखंड में, शादीशुदा बेटी को माँ बाप की तरफ से या भाई बहनों की तरफ से तोहफा दिया जाता है। अच्छा। भिटोला बोलते हैं। तो वो दिल्ली मेरी दीदी रहती थी, तो मेरा लास्ट एग्जाम खत्म हुआ वहाँ का, बोर्ड का, 12वीं का, और अगले दिन मम्मी विदाई के लिए टीका लगा रही थी, तो मैंने कहा अब नहीं, मतलब अब नहीं आऊँगा, अब नहीं आऊँगा। और वो बात जो माँ बेटे के बीच हुई थी, माँ को भी पता था, आई कॉन्टेक्ट जो हुआ, हाँ, तो मैं तब उस तय कर लिया कि अब नहीं आऊँगा। फिर दिल्ली रहा, दिल्ली में आश्रय मिला दीदी के यहाँ, फिर इधर उधर रहने का जुगाड़ खोजे गए, और वो तब तमाम प्रक्रियाएं चली। जेब खर्चा कैसे चलता था फिर? जेब खर्चा वो नुक्कड़ नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक, और कनॉट प्लेस में इधर उधर जंतर मंतर पे आंदोलन उस वक्त टाइप होते थे, और हमको उस आंदोलन के बारे में मुझे नहीं पता होता था जी। लेकिन चूंकि हम कलाकार थे, उससे रिलेटेड वो नाटक हम वहाँ करते थे, भीड़ होती थी, और उसके बाद वो तौलिया या चादर वो फैलाते थे, उससे पैसे आते थे। तो बाकी लोग 10 रुपये रखेंगे तो मुझे 15 या 20 रुपये देते थे, दे मेरा हौसला बढ़ता चला गया। और जब आपको पहली फिल्म मिली, वो कौन सी थी? पहली फिल्म तो बॉम्बे में, दिल्ली में कर ली थी हमने, बैंडेड क्वीन में, छोटा दशमलव जैसा रोल था, वो मुझको ही पता है मैं था उसमें। आप थे? हाँ। अपने मन का क्या समझा रहा? अच्छा, मुझे ये बता दे, जहाँ आप दशमलव से ऊपर बढ़ने लगे। हाँ, वो फिर तो बॉम्बे तो फिर ऑफिस शुरू हो चुका था। अच्छा, टीवी सीरियल बड़ा हिट हुआ था, ऑफिस शुरू हो चुका था। और मुझे कुछ कहना, एक फिल्म थी तुषार कपूर की, वो अच्छी हिट हो चुकी थी, उसका बढ़िया रोल था, तो वहाँ से एक अलग तरह का जिंदगी, और फिर सीरियल, टीवी, जो जो भी उस वक्त के जो, तो जो मिला पर डे दिहाड़ी वाले, दिहाड़ी वो मतलब घर वाले रात को रोटी मांगते भैया क्या लाया कमा के, वही पूछते हैं। नहीं, वो अच्छा, वो सीखने का एक बढ़िया समय था। इतने साल का सफर आपने तय किया, अब कैसा लगता है? अभी ऐसा लगता है कि अब अकल आई है, अब समझ आई है, या अब जिंदगी बढ़िया मौज वाली चल रही है, आनंद वाली चल रही है, तो शायद इस चीज़ के पीछे यही लगता है कि अभी शायद ईश्वर ने समय दिया है, तो वो अब टेक ऑफ एक अलग तरह का, कहाँ कर्म के प्रति भी और जीवन के प्रति भी, और अपने जीवन की तरक्की के प्रति भी, तरक्की के प्रति भी। ऐसा कौन सा किरदार है जो आप चाहते हैं मैं ये जरूर निभाऊं? मैं तो कोई किरदार अभी नहीं निभाना चाहता, कोई भी जो मतलब एक्टिंग चलती रह रही है ऐसी, अब लॉकडाउन में भी अब 60 दिनों से लगातार शूटिंग कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना, ये जैसे कोई जज, वकील, ना कुछ नहीं, ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं भी पहला एक्टर हूँ जैसे आप बोल रहे, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। एक्टिंग चलती रहे, एक्टिंग चलती रहे, और वो लिमिट समय की, बाकी जीवन जीने के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, क्योंकि आपका बेटा IAS भी होगा तो भी अपने माँ बाप के लिए समय नहीं निकाल सकता। मैं एक्टर हूँ और ऐसा मैं निकाल पा रहा हूँ कि परिवार के लिए भी, घर के लिए भी, घूमना भी, ट्रेवलिंग भी, आध्यात्म भी, और एक्टिंग भी, और पैसे भी,
अच्छा, जो यूथ इस इंडस्ट्री में आता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान सारा भरा पड़ा हुआ है, कुछ भी ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर आदमी व्यक्ति के पास मोबाइल है, उसमें गूगल है, लेकिन ये एक अलग दुनिया है जो आपका हर दिन नया कदम उठाओगे, ठोकर खाओगे उससे सीखोगे, या ठोकर नहीं खाओगे आगे बढ़ोगे उससे सीखोगे, वो प्रोसेस आपका हर व्यक्ति का खुद का है, जो पूर्ण रूप से अगर सच्चाई के साथ शुरू किया जाएगा तो वो बढ़िया टेक ऑफ मिलेगा, सफलता मिलेगी। अच्छा, जो ये लड़के आज के आपने देखा होगा बॉडी बना के आ जाते हैं और कैमरे के आगे खुश हो जाते हैं, इन इन इस तरह के यूथ को, ये भटका हुआ यूथ कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? देखिए, बॉडी बनाना तो बहुत अच्छी बात है, शरीर बनाना सबसे बड़ी तपस्या, ये मैं तुमको भी बोल रहा हूँ, ये बात मुझ पर भी लागू होती है कि शरीर का एक एक मसल को शेप देना मतलब वर्षों की तपस्या करने जैसा है, एक्टिंग में या कोई डिग्री डिप्लोमा लेने में जो साल लगते हैं उसी साधना इसमें भी लगती है, उसके लिए तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मात्र उतने से ही काम नहीं चलता फिल्मों में, क्यों? क्योंकि जिस तरह का रोल है आपको बॉडी भी वैसे ही डालनी पड़ेगी, बिल्कुल डालनी पड़ेगी, या तो आप तय कर लो कि मैं ऐसे वाली रोल करूंगा हमेशा, हाँ, उससे फिर आपकी लिमिटेशन कम हो जाएगी, बन जाएगा, हाँ, बस ये यही रोल कर सकता है, तो अच्छा भी है। अच्छा अच्छा, इसी बात से एक बात ध्यान है, कोई अगर आपको बोले कि भाई हेमंत जी आपको हम एक फिल्म में चाहते हैं और उसमें आपके सिक्स पैक हो, तब आप क्या कहेंगे? मैं तो बना सकता हूँ। अच्छा, बना सकते हैं, हाँ, और ये बात ना सबको फिल्म के लिए बनाएंगे, वैसे बना सकते हैं। मैं वैसे तो हमने योग प्राणायाम मेरे को 18-20 साल हो गए, मैंने कभी नहीं छोड़ा जी, मतलब 1500 कपाल भांति सामान्य सी बात है जी, और चाहे मैं फ्लाइट में हूँ, चाहे मैं कार में हूँ, चाहे मैं बाइक में, एक बार मैंने बाइक में पीछे बैठ के भी अपना कपाल भांति करते मौज में 1000-2000 एक स्ट्रोक में वो जरूर करता हूँ। लेकिन अगर कोई बोलेगा बनाने के लिए बना, हाँ, कोई बोलेगा बना लेंगे, तो आदमी में फिल्म के लिए या अपने लिए? नहीं, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बताऊं, मैं आज बता रहे हैं। आज सुबह भी जी एक्सरसाइज है वो सिक्स पैक एक्सरसाइज जी, वो फॉर बिगिनर्स, उसमें वो आते ही हो तुम भी जी जी, वो मैं हर व्यक्ति को बोल रहा हूँ, मैं किस उस व्यक्ति का यूट्यूब चैनल बढ़े वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में आपका जीवन में बदलाव है, 12-13 मिनट की एक्सरसाइज है वो। तो हम कब तक माने हम हमें एक छरछरा बदन सिक्स पैक वाला लोडा? 6 महीने मैक्सिमम भाई, दर्शकों भैया ने वादा किया 6 महीने, हाँ 6 महीना भाई, देख लो अब 6 महीने बाद हम फिर पूछेंगे भाई क्या हाजी क्या है। खैर भैया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे हमारे साथ हेमंत भाई पांडे, बहुत ही सरल और बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले। फिर किसी नए सेलिब्रिटी के साथ आपसे जरूर मिलूंगा, मुझे दीजिए इजाज़त, जय जय राम।